दोस्तों आजकल की इस तनाव भरी लाइफ में कई सारे पुरुषों में बांझपन की समस्या देखने के लिए मिलती है। तनाव के साथ साथ गलत खानपान और गलत आदतें इस समस्या को और बढ़ाते जाती है, जैसे पुरुषों का रोजाना स्मोकिंग करना, रोजाना अल्कोहल का सेवन करना या फिर तंबाकू का सेवन करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसी तरह की समस्याओं का इलाज करने के साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाली दवा क्यू गोल्ड एम टेबलेट के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे इसके कंपनी, कॉम्पोजिशन, फायदे और साइड इफेक्ट्स, इस्तेमाल करने के तरीके और डोजेज और इसके प्राइस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए। साथ ही हम लोग जानेंगे कि इस दवा के यूज करने के साथ पुरुषों को किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यू गोल्ड एम टेबलेट को फार्मेड लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें कोएंजाइम Q10, L-कार्निटाइन, लाइकोपिन, फोलिक एसिड, ग्लूटाथियोन और कई मिनरल्स मिले हुए होते हैं। अब हम लोग इसके फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों क्यू गोल्ड एम टेबलेट कई दवाओं की कॉम्बिनेशन वाली एक एंटीऑक्सीडेंट दवा है और इसका इस्तेमाल पुरुषों के बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके फायदे और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कई पुरुषों के शुक्राणु यानी उसके स्पर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से पुरुष को पिता बनने में बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो ये दवा पुरुष के शुक्राणु की संख्या को बढ़ाता है, उसके गतिशीलता को इंक्रीज करता है, उसके आकार को सही रखता है और स्पर्म को मोटा और गाढ़ा बनाता है। इसके अलावा ये दवा पुरुष को अंदरूनी ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे पुरुष अपने महिला पार्टनर के साथ संबंध का आनंद ले पाते हैं। दोस्तों और मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि किसी पुरुष के वीर में 15 मिलियन प्रति मिलीलीटर से कम शुक्राणु है तो उसे शुक्राणु की संख्या में कमी मानी जाती है, और शुक्राणु काउंट कम होने पर पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडे यानी एक को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, जिससे महिला को गर्भधारण करने में परेशानी होने लगती है। तो कुल मिलाकर ये दवा पुरुष के शुक्राणु को हेल्दी और स्वस्थ बनाता है, जिससे कि महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये दवा शरीर में कमजोरी को दूर करने के साथ मांसपेशियों के दर्द से भी राहत दिलाता है। तो इतने सारे इसके यूजेज हैं, लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब हम लोग इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट है मिचली आना, उल्टी उल्टी जैसा लगना, पेट में दर्द करना, हल्का फुल्का चक्कर आना, थकान जैसा लगना, सिर में दर्द होना और सीने में हल्की फुल्की जलन होना। इतने सारे इसके साइड इफेक्ट है दोस्तों, रेयर है, जल्दी होते नहीं हैं। अगर पुरुषों को हो और ठीक नहीं हो तो उन्हें डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। अब हम लोग इसके इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसके जनरल डोज की बात करें तो इसे दिन भर में केवल एक बार कुछ खाने के बाद एक टेबलेट करके नॉर्मल वाटर के साथ लेना है। इस दवा को पुरुष 1 से 1.5 महीने तक जरूर इस्तेमाल करे। 1 से 1.5 महीने में ही उनको अपने लक्षणों में सुधार महसूस होने लगेगी, लेकिन फिर भी उनको डॉक्टर द्वारा बताया गया कोर्स जरूर पूरा करना है। अब हम लोग क्यू गोल्ड एम टेबलेट के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस 408 रुपये पर 10 टेबलेट है, यानी एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट आते हैं। ये दवा आपको किसी भी एलोपैथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, साथ ही इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जो कुछ डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। और अब हम लोग जानते हैं कि पुरुषों को अगर इस दवा का यूज करना है या फिर कर रहे हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले जो पुरुष स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग नहीं करना है, बिल्कुल बंद कर देना है। शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तनाव से दूर रहने की कोशिश करना है। रात को सोते समय टाइट कपड़े पहनकर नहीं सोना है, उसे लूज कपड़े पहनकर सोना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं नहाना है और अपने गोद पर लैपटॉप कर रख के काम नहीं करना है। अब हम लोग जानते हैं कि किन चीज़ों को पुरुष फॉलो करे। तो उसे हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। डार्क चॉकलेट को सेवन जरूर करना है। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। नींद उनको भरपूर लेना है। मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज जरूर करें, और हो सके तो मेडिटेशन भी करें, और खाने में अंडे को जरूर शामिल करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।